हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पैटर्न कैसे इंपोर्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो पैटर्न को इंपोर्ट करना अवतार को इंपोर्ट करने जैसा ही है, पर इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं जिसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। हमारे पैटर्न बनाने के कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे टूकाटेक, ऑप्टीटेक्स या मार्वलस या ब्रॉन्जवेयर। इस तरीके के सॉफ्टवेयर अपने अपने तरीके से किसी भी पैटर्न की फाइल को या किसी अवतार की फाइल को अपने तरीके से सेव करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में आप उनकी जो फाइल्स हैं उनको आप डाल सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप कुछ चुनिंदा जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आप उन पे और अच्छे तरीके से या इसके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम कर पाएँ। तो हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली जो फाइल फॉर्मेट होती है वो है DXF, ड्राइंग इंटरचेंज फॉर्मेट या ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट। ये फॉर्मेट किसी भी लेआउट को किसी मशीन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो हमारा जो DXF है वो दो तरीके के जो फाइल फॉर्मेट्स हैं उनमें आता है। एक है AAMA, अमेरिकन अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस, और ASTM। ये दो हमारे फाइल फॉर्मेट हैं जिनको हम अपने क्लो 3D में डाल सकते हैं और उन पे आगे और काम कर सकते हैं। जो हमारी DXF फाइल फॉर्मेट है ये हमें प्लॉटर को भी इजीली समझ आ पाती है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का अपना तरीका होता है कि वो पैटर्न को किस तरीके से कहाँ ले करेगा, इसलिए ये फाइल फॉर्मेट बनाया गया है। एक होता है MYU, ये यू का अल्फा जापान में काम करता है। तो हमारे ऐसे कई सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं, तो हम देखते हैं कि हम अपने पैटर्न को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। कोई भी पैटर्न अपलोड करने का पहला तरीका है, हमारे पास फाइल में जाइए, ओपन और फिर पैटर्न। जैसे ही आप पैटर्न पे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप मिलेगा, आप अपनी फाइल वहां से खोल सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है ऐड पैटर्न, इसमें आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको फिर से वही पॉपअप आ जाएगा और उसके बाद अपनी फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते। ओपन और ऐड में जो मेन फर्क है वो ये है कि ओपन में आपका कोई भी पुराना काम जो है वो आप जानते ही हैं कि वो बंद हो जाएगा, वो आपको पूछेगा कि सेव करना है या नहीं करना, और उसके बाद आपकी एक नई फाइल खुल जाएगी। ऐड जो वाला जो हमारा ऑप्शन है उसमें हमारा ऑलरेडी जो हम काम कर रहे हैं उसी में एक हमारा जो नया पैटर्न है जो हम इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो है हमारा DXF, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये हमारे जो बाहर के और भी फाइल के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो उनको डालने में हेल्प करता है। तो आप DXF पे क्लिक करेंगे। मैंने एक DXF फाइल बना के रखी हुई थी, मैं उस पर जैसे ही क्लिक करूँगी और फिर ओपन करूँगी तो मुझे इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें मेरे से पूछेगा कि मुझे ये फाइल ओपन करनी है या ऐड करनी है। इसका स्केल मुझे अपने अकॉर्डिंग मैं चेंज कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इसका ऑटो स्केल हटा दूँगी मेरे पास कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मैं इसको इंचेस में, सेंटीमीटर में, किसी भी वैल्यू में रख सकती हूँ। इस पैटर्न को मुझे रोटेट करना है नहीं करना ये मेरे से पूछेगा, और साथ ही साथ इम्पोर्ट इस तरीके के हमारे को वो काफ़ी सारे ऑप्शंस पूछेगा। आपको जब आप फाइल एक्सपोर्ट करते हैं तब ये आप सारे ऑप्शंस उसमें डालते हैं, उस अकॉर्डिंग फिर आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए वो आपका इस पे डिपेंड करता है। ओके करते ही मेरी जो DXF फाइल है वो इम्पोर्ट होने लगेगी। ये देखिए इस तरीके से हमारी जो पैटर्न था वो अपलोड हो चुका है। मैं इसको कंट्रोल ए करते हुए डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद इंपोर्ट में ही हमारे पास एक और ऑप्शन है, अडोब AI और PDF।
अगर आपके पैटर्न AI फॉर्मेट यानी अडोब इलस्ट्रेटर या किसी PDF फॉर्मेट में सेव हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट सेम ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं और अपने पैटर्न को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा MYU, ये हमारा यूका अल्फा इन जापान। जापान में जो एक सॉफ्टवेयर है यूका नाम से, वो सॉफ्टवेयर इस वाले फॉर्मेट में सेव करता है। तो आप इस तरीके से MYU को भी सिलेक्ट करके इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, आपकी हर फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे ओपन और ऐड में एक फ़र्क था कि ओपन एक नई फाइल खोल देगा और ऐड आपकी पुरानी फाइल में ही आपका काम ऐड कर देगा, जोड़ देगा, वैसे ही इंपोर्ट और इंपोर्ट ऐड में डिफरेंस है। इंपोर्ट आपकी नई फाइल खोल देगा और इंपोर्ट ऐड आपकी पुरानी फाइल में ही इसको ऐड कर देगा। तो इसमें भी देखिए इसीलिए सेम ऑप्शंस हैं। आज की हमारी क्लास पूरी हो गई है, अगली क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।